हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे बी फार्मेसी के बारे में। पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा इस कोर्स के बारे में, ए टू जेड, एडमिशन प्रोसेस से लेके सैलरी, सिलेबस, इसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या इसमें कमी है, कंपैरिजन भी थोड़ा कर देंगे इससे मिलता जुलता कोर्स के साथ। तो पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलेगा इस वीडियो, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो में इन डेप्थ जाऊँ उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका एक बड़ा प्रॉब्लम है अंग्रेज़ी, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, इसे मेनली बच्चों का तीन प्रॉब्लम होता है। आता तो है, लिख नहीं पाता हूँ बिकॉज इंग्लिश में लिखना पड़ता है। पढ़ना तो चाहता हूँ बट किताब खोलता हूँ समझ में नहीं आता बिकॉज इंग्लिश में लिखा है। तीसरा प्रॉब्लम, बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पाता हूँ बिकॉज पता नहीं हैज़ बीन, हैड बीन, वाज, वेयर, कहाँ क्या लगेगा, समझ में नहीं आता है ससुरा, तो क्या करें। तो भैया कुछ नहीं करना है, आपकी बार प्रॉब्लम का सलूशन आ चुका है बिकॉज मैंने सेम प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस किया है। तो ये मैंने कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें 1000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, वो सीख रहे हैं, IIT से आए, NIT से आए हैं, ठीक है जी। इसका प्राइस कोई 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, 4,000, 5,000 नहीं है, सिर्फ 1,000 रुपया का है। अभी आप देख पा रहे हैं 50% डिस्काउंट है। तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। कितना भी यहाँ पर डिस्काउंट हो, 100 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ जो मेरे वीडियोज़ के थ्रू से जाते हैं। तो उसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, इस वीडियो को पॉज करिए, तुरंत इसमें एनरोल करिए और जो अंग्रेज़ी का आपका प्रॉब्लम है ना, इसको छू मंतर कर दीजिए धीरे धीरे करके। वैसे आज खरीदोगे आज नहीं होगा भाई, टाइम लगता है इन चीज़ों में, बट हाँ स्टार्ट तो करना पड़ेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। बी फार्मेसी, बी फार्म बोलते हैं बेसिकली इसको लोग। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, बैचलर इन या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, ठीक है, ओके। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, 4 साल होता है, 4 years कोर्स का ड्यूरेशन, 4 साल होता है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपका, PCM या फिर PCB 12th होना चाहिए। और जो डी फार्मा किए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करे हैं, उनके उसके बाद भी एडमिशन मिल सकता है, बट उसके बाद बी फार्मा क्या हो जाएगा, 3-4 साल का नहीं, 3 साल का हो जाएगा, 1 साल कम हो जाता है, लेटरल एंट्री के थ्रू से एडमिशन मिलता है। फ्यूचर स्कोप इंडिया में क्या है, देखो यार बी फार्म करने के बाद आप हॉस्पिटल या फिर कोई दुकान ज्वाइन मत करना एज ए सेल्समैन या फिर मेडिसिन लिखा डॉक्टर ने ला के ना, इसमें अच्छा फ्यूचर कतई नहीं है जो मैं अब तक देखा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल जॉब लगा, गवर्नमेंट जॉब, देन ओके बिकॉज एक फिक्स ग्रोथ मिलेगा, अदरवाइज ऑलवेज ऑलवेज ज्वाइन फार्मा कंपनी जहाँ पर मेडिसिन बन रहा है, वो आपको बहुत अच्छा फ्यूचर देगा एज कम्पेयर टू किसी दुकान में आप उसको मेडिसिन निकाल के दे रहे हो, ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। ये फ्यूचर अच्छा देगा, इजी और हार्ड, आसान है डिफिकल्ट है भाई, आराम से कर लोगे, एवरेज वो बिलो एवरेज वो आराम से हो जाएगा, थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, लाखों बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप भी कर लेंगे, तो ईजी या हार्ड के बारे में मत सोचो, बढ़िया है कर लोगे, गुड करियर है इंडिया। एक प्रॉब्लम आता है अंग्रेजी का जो मैंने सोल्यूशन दे दिया आपको। क्या अच्छा करियर स्कोप हो सकता है इंडिया में, यस अच्छा करियर स्कोप है, जहाँ अच्छा करियर स्कोप है, मैंने आपको बताया कि भाई हॉस्पिटल ज्वाइन मत करना, कि एक फार्मा काउंटर में बैठ मत जाना, वो आपको हेल्प नहीं करेगा, फार्मा कंपनी ज्वाइन करो या फिर सरकारी जॉब क्रैक करिए। सरकारी जॉब को क्रैक करने के लिए सिंपल तरीका है, फार्मा बी फार्मा ज्वाइन करने के बाद सेकेंड ईयर से काम पे लग जाओ, उससे क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक करना, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे बाद में ट्राई करेंगे, पहले बी फार्मा कंप्लीट करो फिर अपन करेंगे, लेकिन आप पहले ही प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये सब एग्ज़ाम क्रैक करना। नेक्स्ट, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब एडमिशन कैसे मिलेगा इस कोर्स में। तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, कॉलेज में जाइए, 12th क्लास का मार्कशीट दो, एडमिशन हो गया, डी फार्म का मार्कशीट दो, एडमिशन हो गया पहला, लेकिन उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं। कॉलेज अच्छा कॉलेज का फ़ायदा क्या होगा, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वहीं कंपनी आएगी, उधर से आपका जॉब लगेगा, तो ये बहुत ईजी होता है अच्छा जॉब लेना और आसान भी होता है जॉब लेना। अच्छा जॉब मतलब सैलरी अच्छा, कंपनी अच्छा, ओके। एंट्रेंस एग्ज़ाम किसके थ्रू से एडमिशन मिलता है, CUET UG से, नीट से थ्रू से एडमिशन मिलेगा, JEE से भी एडमिशन मिलता है,
ओके जी। सो फीस कितना आपका लगता है? मिनिमम फीस मैंने देखा 8-10 हज़ार पर ईयर से लेके 3 लाख पर ईयर तक फीस है। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा 3 लाख कॉलेज में पढ़ने का। आप एवरेज में 50,000 से 1 लाख खर्चा करो, उससे ज़्यादा खर्चा मत करो, उससे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। सो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। सेमेस्टर में 1 में सिलेबस आपके सामने है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, रेमेडियल मैथमेटिकल बायोलॉजी, फार्माकोग्नोजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं 1, इसका 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा। एडवांस मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी आई होप सो करवाएंगे, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन 1। सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ाएंगे आपको? फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 4, फार्माकोग्नोजी 2, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2। सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ाएंगे? फार्मास्यूटिक्स 3, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, फार्माकोग्नोजी 3, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिसीजेस, डिस्पेंसिंग एंड कम्युनिटी फार्मेसी। सेमेस्टर 6 में क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स 5 पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी 1 पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोजी कितना 4 पढ़ते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ते हैं, ओके जी। सेमेस्टर 6 में क्या पढ़ाई करेंगे? मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स, मेरे हिसाब से ये लॉ से रिलेटेड होगा, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके, फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। सेमेस्टर 7 में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। एंड लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं? थोड़ा लेंदी कोर्स होता है भाई ये, फार्मास्यूटिक्स 9, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोजी 6, क्लिनिकल फार्मेसी एंड ड्रग इंट्रैक्शन, फिर प्रोजेक्ट भी होता है। कुछ कुछ जगह पर हो सकता है आपका अलग से ट्रेनिंग दे दें 6 महीने का, ऐसा हो सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलता है? फार्मा कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स आई डोंट रिकमेंड, फार्मा कंपनीज में जाइए जॉब करने के लिए, अच्छा फ्यूचर होगा। अदरवाइज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करिए, वो भी अच्छा फ्यूचर आपको दे सकता है। नेक्स्ट सैलरी कितना? 20,000 से 45,000 एवरेज पैकेज मिलता है। किसी का एक्सेप्शनल पैकेज मिल सकता है 8-10 लाख का, बट वो कम होता है इन जनरल। 20,000 से 45,000 का एवरेज पैकेज है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट आपका क्या है? आफ्टर बी फार्मेसी क्या कर सकते हैं? भाई 2 कोर्स है। अगर किसी को बहुत अच्छा पैकेज कमाना है तो उसके लिए MBA बहुत अच्छा है। किसी को फार्मा में ही रहना है, मैनेजमेंट में नहीं जाना है, अभी रिसर्च में थोड़ा जाना है, इन डेप्थ फार्मा में जाना है, कंपनी में काम कर रहा है, उसके लिए M.Pharm अच्छा है। मतलब इन डेप्थ मेडिसिन को समझना है, मेडिसिनल वैल्यूज़ को समझना है, नया मेडिसिन के रिसर्च में जा सकते हो, फॉर देम M.Pharm इज़ रियली गुड। अगर आपको लगता है नहीं ये सब मेरे को नहीं, मैं सीख लिया, अब मैं मैनेजमेंट जाना चाहता हूँ, पैसा अच्छा चाहता हूँ, पैसा दोनों में अच्छा मिल सकता है, बट अगर एवरेज में देखोगे MBA अगर कोई अच्छा कॉलेज से पढ़ता है उसका स्लाइटली बेटर फ्यूचर हो सकता है पैसे के मामले में। तो MBA अच्छा कॉलेज क्या हो सकता है? IIM टॉप कॉलेजेस इंडिया में है, फिर IIT है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है जो हर स्टेट में, जैसे दिल्ली में FMS है, ऐसे कॉलेजेस बहुत जगह पर है, IITs में होता है, पुराने NITs में देख सकते हो। इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा तो नहीं है, 6 लाख के आसपास पैकेज मिलता है, बट कम पैसे में हो जाता है। IITs में 10-12-15 लाख मिलता है, IIM में 20-30 लाख का पैकेज है जो पुराने IIM है। नए IIM का डेटा देख लेना, बिकॉज वो वेरी करता रहता है, अभी मार्केट वैसे ही मंदी चल रहा है जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो कहानी ये था आपका बी फार्मेसी के बारे में, बी फार्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और दोस्तों जरूर शेयर करिए। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का से तीनों चीज़ मैं सिखा रहा हूं, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बाय करिए। एक चीज़ बताना भूल गया, राइटिंग का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर एग्ज़ाम में मैं लिखने का तरीका भी सिखाता हूँ, उससे आपका मार्क्स बढ़ता है, श्योर शॉट है। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, जरूर बाय करिए इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोर्स जो है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।